जैसे आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे ओप्पो प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे रिक्वायरमेंट दोस्त पहले भी मैं बताया था कोई वीडियो में कि यहाँ कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू होता है और वहाँ का ऑफिस जाना पड़ता है, 15 से प्लस ऑफिस है। मैं यहाँ पे लगभग 15 प्लस कॉन्ट्रैक्टर का नंबर लिया हूँ। यहाँ पे फिलहाल अभी रिक्वायरमेंट नहीं चल रहा है, चलता है तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ से सभी एरिया में बस भी प्रोवाइड है। जैसे यहाँ से सूरज मतलब परी चौक हर जगह का बस भी कंपनी प्रोवाइड नहीं कहा जाए तो इंडिया का सबसे अच्छा कंपनी ओप्पो प्रो बताऊँ। थोड़ा सा अगर हिम्मत करते तो आज ओप्पो कंपनी में सिलेक्शन का तो गारंटी नहीं, लेकिन अंदर जाके इंटरव्यू दे के मैं देखिए आप देख रहे हैं यहीं ग्रेटर नोएडा का परी चौक और यहीं इंडिया का सबसे अच्छा कंपनी वीवो ओप्पो माना जाता है। और अभी मैं फिलहाल चल रहा हूँ वीवो ओप्पो में। वैसे तो ज्वाइनिंग यहाँ पे गेट पे नहीं होता है, यहाँ कॉन्ट्रैक्टर अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर है, 10 से 15 प्लस कॉन्ट्रैक्टर है, उन्हीं के थ्रू यहाँ पे ज्वाइनिंग होगा। पहले ऑफिस में जाके इंटरव्यू दीजिए और वहाँ सिलेक्शन होके तब गेट बस नंबर मिल जाएगा, उसके बाद आप जाके वहाँ जॉब करिए। चलिए आप लोग को दिखा रहे हैं और इसमें हमें वहाँ पे जाके गेट पे कैसे होगा सिलेक्शन वो मैं पता करता हूँ, उसके बाद आगे आप लोगों को अपडेट करता हूँ। चलिए मैं अपना लक्ष्य पे आने वाला हूँ। यहाँ से 500 मीटर दिखा रहा है ओप्पो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो मैं पहुँचने वाला हूँ। और चलिए आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से दिखाता हूँ कंपनी। पहले इस शो के रास्ता था लेकिन अभी रास्ता बंद कर दिया गया है, यहाँ पे बाउंड्री दे दिया गया है, इसलिए इस शो के अब ओप्पो कंपनी जाना बंद हो गया है। देखिए मैप से यहीं गलती होता है, ये रास्ता था एक्चुअली इस शो के जाने वाला था लेकिन किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी हो के रास्ता था तो उन्होंने ये बाउंड्री दे के ओप्पो कंपनी का रास्ता इस साइड से बंद कर दिया और मैं आया था मैप्स के साथ सहायता से। कितना बार मैं मैप्स की सहायता से धोखा खा चुका हूँ लेकिन फिर भी क्या कहूँ, अपना आदत नहीं भूल रहा हूँ, फिर से मैं धोखा खाया। देखता हूँ और कोई रास्ता से कंपनी तो मैं जाऊँगा ही, जैसे जाए। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, जैसे आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे ओप्पो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आया था काशना, जो कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट दोस्त पहले भी मैं बताया था कोई वीडियो में कि यहाँ कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू होता है और वहाँ का ऑफिस जाना पड़ता है, 15 से प्लस ऑफिस है। मैं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में जितना यहाँ पे ऑफिस है ओप्पो का जितना भी ऑफिस है तो ऑफिस के बारे में बताऊँगा तो आप और कॉन्ट्रैक्टर का नंबर भी होगा प्रोवाइड करवाऊँगा। तो मैं यहाँ पे लगभग 15 प्लस कॉन्ट्रैक्टर का नंबर लिया हूँ और आप लोगों को होगा तो नेक्स्ट वीडियो में सभी कॉन्ट्रैक्टर का नंबर प्रोवाइड करवाऊँगा और आप लोग यहाँ ज्वाइनिंग लीजिए। यहाँ से सभी एरिया में बस भी प्रोवाइड है, जैसे यहाँ से सूरज मतलब वो परी चौक हर जगह का बस भी कंपनी प्रोवाइड करवाती है फ्री में। और यहाँ का लगभग में कंपनी कहा जाए तो इंडिया का सबसे अच्छा कंपनी ओप्पो ओप्पो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और मैं होगा अभी फिलहाल निकल रहा हूँ वीवो के ऑफिस, वीवो कंपनी के मतलब गेट पे जाऊँगा अभी, उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा ओप्पो और वीवो के कॉन्ट्रैक्टर का टोटल डिटेल। चलिए आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। देखिए यही ओप्पो कंपनी है और मैं अभी आया था जॉब के लिए, लेकिन यहाँ गेट से रिक्वायरमेंट होता नहीं है क्योंकि दोस्त इसका अलग अलग ऑफिस है। यहाँ पे इतना सारा बंदा लगभग आधा एक घंटा मैं देख रहा हूँ इतना ही जा रहा है, बस आती है इतना बंदा निकलता और जाता है। तो आगे मैं बताता हूँ आपको पूरा डिटेल। यहाँ पे फिलहाल अभी रिक्वायरमेंट नहीं चल रहा है, चलता है तो यहाँ पे आप लोगों को वीडियो में देखने की है कितना लड़का यहाँ करता है जॉब, तो जब रिक्वायरमेंट चलता है तो लगभग में सबको हो जाता है।
तो देख सकते हैं ओप्पो के अगल बगल साइड का व्यू आप लोगों को चारों ओर दिखा रहे हैं, यहीं ओप्पो के चारों ओर का व्यू है। तो दोस्त सबसे अच्छा इंडिया का सबसे अच्छा कंपनी यही ओप्पो है, जहाँ की पेमेंट भी बहुत अच्छा है। यहाँ डिप्लोमा का आपको 16,000 प्लस सैलरी 8 घंटे का मिलेगा। तो इंडिया का लगभग में सबसे अच्छा कंपनी है, कंपनी हर तरह हर एंगल से देखा जाता है। अगर हर एंगल से देखिएगा तो सबसे अच्छा कंपनी अपना लोकल में मिल जाएगा, और सैलरी भी सबसे ज़्यादा, वर्क भी ज़्यादा हाई नहीं, वर्क भी प्रेशर हाई नहीं रहता है। यहाँ पे कहीं पे आप सुनिएगा, कहीं पे आपको बताएगा ओप्पो ओप्पो या वीवो, मतलब इंडिया का सबसे अच्छा कंपनी ओप्पो और वीवो। मैं आया था फिलहाल यहीं पे, मतलब गेट पे पूछने के लिए, तो यहाँ पे मेरे साथ दो बंदा आया था, वो दोनों चूतिया लोग, बोला था कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अंदर गए तो अंदर में उन दोनों के पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस था, और मेरे पास था नहीं, तो मेरा तो नहीं लिया। तो मैं रिटर्न अभी जा रहा हूँ, और आप लोगों को होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर का टोटल नंबर प्रोवाइड करवाऊँगा, और वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करिए। तो दोस्त मैं परी चौक पहुँच चुका हूँ, देखिए रिटर्न में परी चौक, अभी मेट्रो के नीचे में हूँ, और दोस्त क्या बताऊँ, थोड़ा सा अगर हिम्मत करते तो आज ओप्पो कंपनी में सिलेक्शन का तो गारंटी नहीं, लेकिन अंदर जाके इंटरव्यू दे के मैं आ जाता, लेकिन बस अंदर से आवाज़ आया कि मत जाओ, क्योंकि कुछ दो मेरे साथ दो लड़का जिनका अपॉइंटमेंट था या नहीं, कॉन्ट्रैक्टर से बात किया था उन्होंने, और मेरे साथ ही गया कि कॉन्ट्रैक्टर से भैया बात हुआ, चलो आप भी चलो साथे चलेंगे। गेट पे जाके उन्होंने गार्ड ने पूछा कि कितने का अपॉइंटमेंट है, तो उन्होंने बताया 2 का, तो बाद में बोला तुम लोग 3 हो, तो उन्होंने बताया ये लड़का एक्स्ट्रा है। तो गार्ड बोला देखो बेटा मैं जाने दे दूँगा, मेरे तरफ से कोई नहीं है, तुम जाओ, लेकिन अपॉइंटमेंट 2 का है, अगर वहाँ पर कुछ होता है तुम अपना जानना। तो मैंने सोचा कि वहाँ अंदर जाएंगे, हो सकता है कि डांट दे या कुछ और कर दे, तो मैं अंदर गया नहीं, और मैं बाहर गेट के बाहर से लौट गया, वो दोनों गया, और अब लगभग घंटा भर गेट पे वेट किया तो वो लोग आया नहीं, और शिफ्ट ख़त्म हुआ था, ये शिफ्ट साइड ख़त्म हुआ था, और मैं बस से आ गया, नहीं तो यहाँ से लगभग मैं कासना गया था, कासना से 3 किलोमीटर पैदल ही इधर से गया था, तो सोचा भी बस मिल रहा है फ्री में भी और इजी से एसी बस में बैठ के चल जाऊँगा, तो मैं ओप्पो वाला बस में बैठ के अपना रूम पे आ गया। तो दोस्त कुछ कमीना फ्रेंड भी मिल जाते हैं जो कि ये सब होता, अगर वो लोग चाहता तो कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन करके बोल सकता था कि मैं तीन जन हूँ और तीनों आ रहा हूँ। बार बार उनको बोला कि आप वो जो कॉन्ट्रैक्टर से बात हुआ उनका नंबर दो, लेकिन नंबर दिया नहीं कॉन्ट्रैक्टर से बात करवाया नहीं, अब खुद वो अपना नंबर दिया। चलिए मिलते हैं हम इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।